नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। इंडिया गठबंधन की ओर से अलग अलग न्यूज चैनल के 14 एंकर्स को इस वजह से बैन कर दिया है कि वो मोदी सरकार की चरण वंदना करते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कह रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि इन 14 को छोड़कर बाकी बचे एंकर्स कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों की चरण वंदना करते हैं? गजब हाल है इस देश में सियासी पार्टियों का। आज उन्हें वही दवाई कड़वी लग रही है जो वो सत्ता में रहकर विपक्ष को पिलाते आए हैं। 2003 में वाजपेयी सरकार पर भी यही आरोप लगाया गया था। समझ से परे है कि जब भी कांग्रेस और सहयोगी विपक्ष में होते हैं तो वो मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं, और सत्ता में आते ही अगर विपक्ष ये आरोप लगाए तो उसे प्रेस की आजादी पर वार कह दिया जाता है। तो इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। जगत सिंह नेगी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और साथ ही अनामिका सिंह बीजेपी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जगत जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह का बैन पहली बार लगाया गया है। आजाद भारत में पहली बार इस तरह की बात सुनने को मिल रही है, क्या है ये? आप जानते हैं कि लोकतंत्र में प्रेस का अपना एक अहम भूमिका है और लोकतंत्र का हम इसको चौथा स्तंभ भी मानते हैं, परंतु अभी पिछले 9 सालों के अंदर जिस तरह से प्रेस ने इस देश के अंदर जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई आने वाले समय में करना संभव नहीं है। आज मीडिया जो है, प्रेस जो है, एक गोदी मीडिया बन के रह गई है। लोगों के जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो केवल की केवल जो सरकार के द्वारा जो एजेंडा चलाया जा रहा है उस एजेंडा को ही दिखाते हैं, उसके ऊपर ही बहस कराते हैं, और जो एक आम आदमी, एक जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो आज के मीडिया में जो है देखने को नहीं मिलता। जगत जी, आप लोग बार बार एक शब्द यूज करते हैं, गोदी मीडिया, इसका क्या मतलब है? यानी कि मीडिया, ये पहली बार नहीं है कि जो सत्ता में है उसके बारे में बातचीत ज्यादा की जाती है, क्योंकि सीधा सीधा सरोकार जनता का उससे जुड़ा रहता है। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि ये गोदी मीडिया और सिर्फ सरकार की बात करती है? अगर आप सरकार में होते तो आपकी भी बात की जाती। जैसे आप जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर का जब शासन था तो यही मतलब एक तरीका अपनाया जाता था कि जो भी मीडिया है उसको जो है उन्होंने गला घोंट रखा था, जो वो बोलते थे वही जो है मीडिया बोलते थे। आज भी यही हो रहा है। 9 सालों से मीडिया जो है कोई फील्ड में जाकर लोगों की समस्याओं के बारे में किसी किस्म का जो है कोई भी मुद्दा उठाने के बजाय जो सरकार के द्वारा उनको परोसा जा रहा है उसी को जो है वो आगे करते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं, आम जनता का पक्ष नहीं रखते हैं और लोगों को जो है उलझा कर रखते हैं। अनामिका जी, क्या कहेंगी इस पूरे मसले पर? मुक्ता, ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, न सिर्फ मीडिया के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए और राजनीतिक दलों के लिए। जैसे कि आपने शुरू में कहा मुक्ता, कि जिन लोगों को बैन किया गया है इनके हिसाब से, जिन्हें ये गोदी मीडिया जो इनका शब्द है वो मान रहे हैं, जो सरकार के पक्ष में बोलते हैं, तो मान लिया जाए कि बाकी सारे लोग हैं जो इनके पक्ष में बोलते हैं। मतलब इन्होंने भारत के मीडिया को, इस देश के निष्पक्ष मीडिया को, और मीडिया कर्मियों के लिए मैं हमेशा एक चीज कहना चाहती हूँ कि बहुत कम संसाधनों में बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोग एक रूट से लेकर और सारी खबरें समाज के हर तबके तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो इन्होंने समाज के मीडिया को ही दो टुकड़े में बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। मतलब ये राजनीतिक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते, एनडीए का विरोध करते करते और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते पहले सनातन के विरोध पर उतरते हैं, भारत के विरोध पर उतरते हैं और अब मीडिया के विरोध पर उतर आते हैं। जिस तरह की ये तानाशाही, जिस तरह की बात कर रहे हैं हिटलर के बारे में, हिटलरशाही तो ये कर रहे हैं, जिस तरह का अमानवीय कृत्य ये कर रहे हैं, ये मानवता के भी खिलाफ है, ये भारतीय संविधान के खिलाफ है जहां अभिव्यक्ति की आजादी है। और ये बात कर रहे हैं कि हिटलरशाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एनडीए गठबंधन कर रहा है, मैं तो कहना चाहती हूँ कि जो घमंडिया गठबंधन है ये तानाशाही कर रहा है, क्योंकि ये सच का सामना करने से डरते हैं, ये पत्रकारों के सवालों का जवाब देने में खुद को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई विषय नहीं है। इन्होंने एक भानुमति का कुनबा इकट्ठा कर लिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का विरोध करने के लिए, और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये एक कलर कथा की तरह लिखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी इस सारे गठबंधन को, इस बात के लिए कि इन्होंने मीडिया की अभिव्यक्ति पर, आप किसी को, अगर आप अपनी लाइन बड़ी करना चाहते हैं तो दूसरे की लाइन को छोटी मत करिए। आप इस स्तर पर मत जाइए। जैसा कि अनामिका जी भी कह रही हैं, आप लोग देखिए, मेरा ये कहना है कि बैन सही नहीं है।
आप इसके खिलाफ आप बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, लेकिन क्या बैन लगाना चाहिए? तो वही बात हो गई, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, या तो आप लोग ये चाहते हैं। एंकर्स अगर अपनी बात कह रहे हैं तो आप उसको क्यों अपनी तरह से सुनना चाहते हैं? अगर वो किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको आप अपनी तरह से ही क्यों करवाना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 से लेके अब तक मीडिया जो है सिर्फ एक तरफा जो है वो अपनी बात कह रही है, और जो असली बात जो जनता के बीच में आना चाहिए उसमें वो जो है बिल्कुल कोई किसी किस्म का विश्वास नहीं है। अभी आपने देखा होगा जो इंडिपेंडेंट जो हमारे थे उनको जो है एक एक करके निकाला गया है। आज मीडिया जो है सारा का सारा जो है वर्तमान सरकार ने जो है अपने अधीन कर रखा है, या बड़े बड़े जो इनके मित्र हैं उन मित्रों के अधीन है। इस तरह से जब प्रेस होगा कैसे इस देश के अंदर आप जो है लोकतंत्र को बचा पाएंगे? मीडिया जो है केवल का केवल हिंदू मुसलमान के सिवाय बात नहीं करती। आजकल आप दो दिन से देखे हमारे वीर जवान जो है कश्मीर में शहीद हुए आतंकवादियों के गोलियों से, परंतु उनके बारे में कुछ कहने के बजाय आजकल मीडिया में क्या चल रहा है कि हम जो है बदला लेकर हम ये करेंगे हम वो करेंगे, और एक वीडियो गेम के तो जो एक ट्रेनिंग सेशन होता है आर्मी का, कहते हैं कि प्रेस की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की छूट नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है। तो क्या ये तरीका है आजादी दिखाने का? क्या ये है आजादी की परिभाषा? ये जो इनके मित्र है इन्होंने प्रेस तो सारा खींच रखा है और ये बाज नहीं आ रहे। आप 9 साल लगातार की बात को रटाए जाने हैं, शासन के पास जो है विपक्ष के पास, हमारे विपक्ष के पास कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है केवल का केवल ऐसे लोग जो इनका माउथपीस बना हुआ है मोदी सरकार के किया जाए, ये सही है। तो ये बताइए अगर 14 एंकर्स को आपने बैन किया है तो यानी बाकी को आप ये मानते हैं कि वो आपकी तरफ है? क्या इसका क्या मतलब है कि 14 एंकर्स को आपने बैन? बड़े जो बड़े बड़े मीडिया ग्रुप जिन वो अरबपतियों ने कैप्चर कर रखे उन 14 को ही बैन किया है, और बाकी की बारी आएगी सबकी, क्योंकि हमें जो सुनना है सब सुनना है, हमें झूठ नहीं सुनना है। बहुत सुन लिया, मन की बात हमने सुन ली है, झूठ बहुत सुन लिया है, अब कम सच्चाई तो सुनना चाहेंगे हम भी। पहले भी प्रधानमंत्री आपने मन की बात की तो पहले भी देश के प्रधानमंत्री वो आप, मैंने फिर कहा ना कि आप ये गरिमा भी भूल जाते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के प्रधानमंत्री नहीं है। जो आप मन की बात करते हैं तो मन की बात का जो प्रभाव होता है देश के लोगों पर, भारत की जनता पर एक जुड़ाव महसूस करती है भारत की जनता, आप उससे इतना बौखला गए कि आप ये भी भूल गए देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपना संबोधन करते रहे। इसमें आपको किस बात पे ऐतराज है? क्योंकि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आप बार बार कह रहे हैं कि 9 साल में हमने विकास के इतने काम किए हैं कि जनता आज हमारी बात सुनना चाहती है, उन मीडिया को उस मीडिया की चीजों को देखना चाहती है, तो आप उसको कैसे रोक लगा सकते हैं? आप उसे रोक नहीं लगा सकते, और आपके पास ना कोई विकास की बात है, और आप हमें बात करते हैं कि हम हमेशा दंगों की बात करते हैं, हम झगड़े की बात करते हैं। 70 साल आपने इस देश में राज किया, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी ना परिवारवाद की बात करती है, ना जाति की बात करती है, ना संप्रदाय की बात करती है, वो राष्ट्र की बात करती है, वो विकास की बात करती है, वो भारत देश की बात करती है। आप इस तरह कुंठित हो गए हैं, आपका जो गठबंधन है और कांग्रेस पार्टी इस तरह कुंठित हो गई है कि बौखलाहट में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और नेगी जी, मेरी सहानुभूति कांग्रेस के साथ है, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि आपके इसी तरह के धीरे धीरे किए हुए गलत कृत्य, वो आपके मुखिया के द्वारा विदेश में जाकर भारत के विषय में नकारात्मक बातें बोलना हो, या एक समय आपके प्रधानमंत्री रहे हो उनका ये कहना हो कि इस देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष के लोगों का ही अधिकार है, ये इन सारी चीजों की कीमत आप पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भी चुकाई है आपने, और आगे भी आप लोग चुकाएंगे, और आने वाला इतिहास और इस समय का इतिहास और आने वाली पीढ़ियां आपको कभी भी क्षमा नहीं करेंगी अपने इन कृत्यों के लिए, और ना ही आपको इसके लिए क्षमा किया जाएगा कि आपने मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो उनकी बात है उस पर आपने रोक लगाने की कोशिश की। आप सच का सामना करिए, वो एंकर जो कहते हैं जो दिखाते हैं आप उसे, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको चैनल्स की जरूरत भी नहीं, आपकी सोशल मीडिया की थीम है, आपके प्रवक्ता है, आप सामना करिए, भेजिए प्रवक्ता को, वो बात करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। 9 साल आप कह रहे हैं, आप कभी बात करते हैं कोरोना की? जब देश के 90 करोड़ लोगों के पास हमने राशन पहुंचाया, जनधन योजना के खातों में हम पैसा पहुंचा पाए, विश्व की सारी महाशक्तियां जिस समय लाचार और असहाय खुद को महसूस कर रही थी, उस समय भारत की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने पूरे व्यक्ति हर व्यक्ति के पास परेशानी उसकी खत्म की। नामिका जी, एक सवाल और उठता है कि ये पहले ऐसे पीएम हैं प्रधानमंत्री जी, देखिए हमेशा ही लाइमलाइट ग्रैब किए रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी कोई पीसी नहीं, कभी कोई क्रिटिकल मीडिया के सवाल एड्रेस नहीं किए, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगी?
देखिए, हर व्यक्ति की एक कार्यशैली होती है मुक्ता जी, और उस कार्यशैली के तहत वो व्यक्ति बात करता है। तो उनका अगर ध्यान भारत की जनता के लिए, जैसे नेगी जी बार बार मन की बात की बात करें, तो अगर आप मन की बात भी सुनेंगे तो वो बहुत ही बुद्धिजीवी, संवेदनशील और चैतन्य विषय समाज के लिए उठाते हैं या लोगों के विषय में बात करते हैं। मैं नेगी जी को कहना चाहूंगी और आप इस मंच, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी मुक्ता जी, आप धीरे धीरे अगर सारे ही क्षेत्र में देखेंगे देश के, आप आज देखिए देश में किन लोगों को पद्मश्री मिलता है। मन की बात में वो किसकी बात करते हैं? वो छात्रों से बात करते हैं, वो दूर अंचल में बैठे उन लोगों के विषय में बात करते हैं जिन्होंने श्रेष्ठ काम किया है, पर सरकार की नजर उसके पहले कभी उन लोगों पर नहीं गई है। आज जिस तरह के लोगों को लगातार पद्मश्री मिल रहा है इस सरकार के समय में, क्या उस तरह के लोगों को कभी पद्मश्री मिला? वैसे लोग जो इस तरह के लोग जो ये कहते हैं कि हमारे पास दिल्ली आने के लिए पैसे भी नहीं है, उन लोगों को भी पद्मश्री मिल रहा है। मन की बात में वो भारत की बात कर रहे हैं, भारत की जनता से मन की बात कर रहे हैं, वो छात्रों की बात कर रहे हैं। तो उनकी अपनी एक कार्यशैली है, उनका उनकी अपनी एक सोच है कि वो किस तरह से काम करेंगे। और जहां तक मीडिया से इंटरेक्ट करने की बात है, तो समय समय पर सारा मीडिया उनके सामने होता है और उनके, हमारी पार्टी के एनडीए के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, प्रवक्ता है, तो सारे विषय पर बात होती है, उनके जवाब दिए जाते हैं। हम कभी भी कतराते नहीं, हम भागते नहीं। और नेगी जी, आपका गठबंधन, आपकी कांग्रेस इतना क्यों घबराई हुई है मुक्ता, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो सोशल मीडिया का जमाना है क्या? 14 पत्रकार इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि इनसे ये सारा गठबंधन, इतनी विपक्षी पार्टियां डर जाएंगी? अपनी सोशल मीडिया की टीम के थ्रू आप हमारा जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जो, अगर हमारी कोई गलत चीजें हैं तो आप सोशल मीडिया पर उसका जवाब दीजिए। आजकल तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी मिथक बहुत लंबे समय तक फैलाया नहीं जा सकता। और हम किसी नेगी जी, बिल्कुल नेगी जी, ये जो पूरी चीज है, आप नहीं कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच या डेमोक्रेसी के लिए एक अलार्म है। पत्रकार का क्या काम है? वो खबर दिखाते हैं, वो खबर दिखाते हैं जो खबर है। लेकिन आपने तो, आपने सब, आप सबने मिलकर तो उन्हें ही एक खबर बना दिया। सिर्फ जो है बोंफू के सिवाय वो तो प्रश्न पूछने का भी उनको अधिकार नहीं है। तो इस किस्म का पहली बार देश के अंदर, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है कि अगर हमारे नेता, हमारे जो अधिकारी या हमारे जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, अगर प्रेस उनसे प्रश्न ना पूछ सके और उसका जवाब ना दे, तो ये तो एक लोकतंत्र के लिए खतरा ही है। तो आप सरकार पर सवाल नहीं कर सकते, पत्रकारों पर तक क्यों चले गए? कि मैं कहना चाहूंगी मुक्ता, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और नेगी जी, आपका गठबंधन और कांग्रेस किस किस पर प्रतिबंध लगाएगी? आज भारत का बच्चा बच्चा, हर वर्ग का बच्चा, हर जाति का बच्चा, हर समाज का बच्चा, कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अंदर ही अंदर किसी भी सरकार में, उनके राज्य में किसी की भी सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करते हैं। आप किस पर रोक लगाएंगे? आज डॉक्टर्स हैं, जितने भी सरकारी लोग हैं, व्यवसायी हैं, आप विदेशों में किस किस पर रोक लगाएंगे? क्या आप जाकर किसी भी देश के मुखिया पर रोक लगा सकते हैं? विश्व के इतिहास में पहली बार होता है कि जब हम कोरोना की वैक्सीन देते हैं तो एक देश का मुखिया, भारत के प्रधानमंत्री, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ मुक्ता जी, गौरव का क्षण होता है जब भारत के प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं, क्योंकि हमने उन्हें वैक्सीन पहुंचाई। क्या आप उन पे भी रोक लगाएंगे? विश्व समुदाय में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान बढ़ा है, भारत देश का जो सम्मान बढ़ा है, जो G20 में जिस तरह से हम अपने सोच के हिसाब से निर्णय करवा पाए, क्या उस पे भी आप रोक लगाएंगे? आप किस किस के मन पर रोक लगाएंगे? आप 14 पत्रकारों को बैन कर देने से आपकी मंशा और 2024 का रास्ता साफ नहीं होगा। आप लोग कुंठित होने की बजाय विकास पे काम करिए, एक विचारधारा स्पष्ट रखिए, अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाइए और जनता के बीच में जाइए। जनता का बच्चा बच्चा आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करता है, आप उन पर रोक नहीं लगा सकते, ना आप उनके भाव पर रोक लगा सकते हैं। और आप बार बार कह रहे थे कि हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ राम मंदिर की और 370 की बात की थी, कांग्रेस ही थी आप ही लोग के जो ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हमने तो तारीख भी बताई और मंदिर भी बनाया। चलिए, सारी बातें अपनी तरफ है, लेकिन तब कांग्रेस ने ही मोहब्बत की दुकान खोलने का ठेका सिर्फ कांग्रेस ने लिया हुआ है, बाकी सब नफरत की दुकान खोल रहे हैं, इस देश के लिए जो है बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। ये कहते हैं कि ताली बजाओ, थाली बजाओ तो कोरोना भाग जाएगा। अब बताइए, इस किस्म का कोई तुक है? आजकल जो है बेतुकी बातें ये लेके आ गए, सनातन पे आ गए हैं, सनातन की समझ इनको नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री कह रहा है, तो अगर आप पत्रकारों की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप उस खबर को ना दिखाते? क्या आप उसे कवर ना करते? पत्रकार होता तो मैं पूछता कि मोदी जी से सवाल करता, सवाल ऐसा नहीं कि नहीं खड़े किए गए, सवाल किया था नेगी जी, प्रधानमंत्री कोई चीज करता है तो मीडिया है तो उसकी कवरेज तो करेगी, है तो वो खबर देगी। नेगी जी, आप बार बार कह रहे हैं ये लोग, मैं आपकी बेतुकी बातों का जवाब दूंगी आप जी, मैं आपकी बेतुकी बातों का जवाब, मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, तो इसका क्या मतलब है? वो तुक वाला बात है कोई, इस किस्म का बात मोदी का नाम लेते हैं
इसका क्या मतलब है? तो वही बात होगी, जो खबर है हम वो खबर दिखाते हैं, हमारा काम है खबर दिखाना। और जो है लोटा बजाकर भी जो है कोरोना भगा देंगे। अब इनसे जो है रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि इनके जो एंकर्स हैं, ये जो गोदी मीडिया के चुने हुए लोग हैं, जो इनके मित्रों के उस पे तनख्वाह पर जो है करोड़ों रुपए। नेगी जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक देव तुल्य कार्यकर्ता अपने आप में एक टीवी चैनल है जो निस्वार्थ भाव से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक, फिर से दोहरा रही हूँ, एक एक कार्यकर्ता, देव तुल्य कार्यकर्ता हमारे लिए एक एक बड़े चैनल के बराबर है, जो लोक कल्याणकारी योजनाओं के लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। दूसरी बात, इस देश की जनता, देवतुल्य जनता, वो जनता जो बुद्धिजीवी है और चैतन्य है, आज लोकतंत्र है। और आप लोकतंत्र की में जब बात करते हैं तो आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप थाली लोटा बजाने की बात कर रहे हैं। क्या वाइब्रेशंस के बारे में, तरंगों के बारे में, मंत्रों के बारे में अगर नासा कह देगा तो आप उसे सही मान लेंगे? और अगर देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पे लोग लोटा ही बजाते हैं, थाली बजाते हैं, लोटा बजाते हैं, तो उसमें आपको पीड़ा क्या है? उनके आह्वान पे अगर लोग खड़े होते हैं तो क्या पीड़ा है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। और आप बार बार आप नेहरू जी कर रहे हैं, क्या मैं आपको बताऊं कि मजरू सुल्तानपुरी जी ने जब नेहरू जी के खिलाफ आवाज उठाई थी तो उनके साथ क्या हुआ था, क्या हुआ था उनके साथ? ही अगर आप जाके इतिहास में पढ़ लीजिए, फिर दोबारा मैं आपसे इसमें डिबेट करूंगी। उनकी लोकप्रियता से आप इस कदर बौखला गए हैं, इस कदर आप पूरे देश के टीवी चैनलों को भी बैन कर दीजिए, तब भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और वो सुदृढ़ भारत बनाने की जो सोच है, उसमें भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। और आने वाले समय में इन सारी बातों के अलावा बस चलते चलते मैं आप दोनों से एक लाइन में चाहती हूँ आप इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले जगत सिंह जी, क्या ये बैन सही है? क्या ये इंस्टीट्यूशनल बैन लगाना चाहिए, वाजिब है ये? सारी बातें अगर मैं सही मान लूं, उसके बावजूद क्या इस आजाद भारत में आपको लगता है कि ये बैन लगाना चाहिए, ये सही है, ये तरीका सही है? जब आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता है और सारा का सारा मीडिया जो है इनके मित्रों ने खींच रखा है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो है जनता के बीच में जाकर सही बात रखेंगे? इसलिए ये बैन बिल्कुल सही है और यही एक लोकतंत्र में जो है तरीका है किस तरह से जो गोदी मीडिया से लड़ा जा सकता है। अनामिका जी, आपका आपका लास्ट स्टेटमेंट। जैसे आपातकाल को इतिहास के काले अध्याय में लिखा गया था, वैसे मीडिया पे बैन को भी इतिहास के काले अध्याय में लिखा जाएगा। और आने वाली पीढ़ियां कभी कांग्रेस को और इस गठबंधन को, इस घमंडिया गठबंधन को, इस बात के लिए कभी क्षमा नहीं करेंगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।